ईश्वर साहू एक गरीब परिवार का बेटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के इस मंदिर में वो पहुंचे और वहां पर सीढ़ियों में उन्होंने अपना माथा टेका। ईश्वर साहू को भारतीय जनता पार्टी ने साझा विधानसभा से चुनाव लड़ाया और उन्होंने भूपेश बघेल कैबिनेट मंत्री के सबसे दिग्गज नेता रविंद्र चौबे को हराया। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1-800-309-1616। नमस्कार, मैं हूं संदीप दीवान और आप देख रहे हैं तीरंदाज। राजनीति में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। राजनीति में कुछ कुछ बातें लोगों को आश्चर्य में डालती हैं तो कुछ बातें लोगों के जेहन में हमेशा बनी रहती है। कुछ ऐसा ही परिदृश्य हमें आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में देखने को मिला। छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट साझा विधानसभा से चुनाव जीत कर पहुँचे ईश्वर साहू की रही। ईश्वर साहू ने छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुँचते ही सबसे पहले विधानसभा को प्रणाम किया और उसके बाद वो अंदर पहुँचे। यह परिदृश्य हम इससे पहले भी 2014 में देख चुके हैं। 2014 में मई महीने में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार संसद पहुँचे तो उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद में पहुंचे तो किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला था। लोग उनके स्वागत में खड़े थे, सत्कार में खड़े थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा संसद यानी लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, लोकतंत्र के इस मंदिर में वो पहुंचे और वहां पर सीढ़ियों में उन्होंने अपना माथा टेका। यह क्षण भावुक करने वाला था। यह क्षण लोगों के जेहन में आज भी याद है। लोग इसकी चर्चा भी करते हैं। कुछ यही जो है हमको देखने को मिला छत्तीसगढ़ विधानसभा में ईश्वर साहू के। बारे में तो यह सभी जानते हैं कि उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। ईश्वर साहू को भारतीय जनता पार्टी ने साझा विधानसभा से चुनाव लड़ाया और उन्होंने भूपेश बघेल कैबिनेट मंत्री के सबसे दिग्गज नेता रविंद्र चौबे को हराया। रविंद्र चौबे पिछले 7 बार के विधायक हैं। उनको हराना कई मायनों में खास भी है। ईश्वर साहू की जीत के बाद क्षेत्र की जनता उत्साहित है, उत्साह का माहौल है। ईश्वर साहू एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। ईश्वर साहू एक गरीब परिवार का बेटा है। उन्होंने अपनी एक हिंसा में जो है उन्होंने अपने पुत्र को खोया है। यह सहानुभूति लोगों के मन में आज भी है। ईश्वर साहू जब विधानसभा पहुंचे तो उन्होंने विधानसभा की सीढ़ियों पर विधानसभा को नमन करके जो है मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता छत्तीसगढ़ में पुलिस व्यवस्था को अच्छा करना है। ईश्वर साहू के बारे में यह धारणा है लोगों में कि वो कुछ अच्छा काम करके दिखाएंगे और वो इसको स्वीकार भी करते हैं कि मैं एक राजनीतिक बैकग्राउंड का तो नहीं हूँ, लेकिन यह जीत मेरी जो है जनता की जीत है और इस जीत को जो है जनता के कामों में ही किया जाना है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक।